गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक इकोलॉजिकल नीचे पारिस्थितिकीय निकेत को। इस टॉपिक को अपन निम्न बिंदुओं में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि पारिस्थितिकीय निकेत है क्या, व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल नीचे, इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, प्रकार, इसके करेक्टर्स और महत्ता पारिस्थितिकीय निकेत की। अब सबसे पहले अपन देखते हैं पारिस्थितिकीय निकेत का परिचय, जिसमें पहले अपन देखेंगे इसका अर्थ और उसके बाद देखेंगे इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, और अर्थ देखने से पहले कि शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो एक प्राकृतिकविद जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में अपने पेपर द नीचे रिलेशनशिप्स ऑफ द कैलिफोर्निया थ्रेशर, जो कि 1917 में पब्लिश हुआ था, में इसका उपयोग किया था। अब इसका अर्थ, ये नीचे शब्द आया कहाँ से है, तो नीचे शब्द है, ये आया है नाइशर नाम के एक फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब घोंसले से होता है। और घोंसले से ऐसे होता है कि इस वर्ड का फ्रेंच में मीनिंग होता है किसी दीवार में बने हुए गर्त से। और बहुत सारे बर्ड्स, जैसा कि तुमने भी देखा होगा, कि वो अपना घोंसला ही किसी पेड़ की कोटर में, गर्त में, या फिर किसी दीवार की गर्त में अपना घोंसला बनाते हैं। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण, जो कि तुम सबने देखा ही होगा, वो तोता है, जो कि हमेशा, उसको कैविटी नेस्टर कहते हैं, वो किसी कैविटी में, गर्त में अपना घोंसला बनाते हैं। और ये जो नीचे शब्द है, पारिस्थितिकीय निकेत है, ये घोंसले से आया है। नाइशर एक फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है घोंसला, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, जो उसका निवास स्थान होता है, उससे लिया गया। अब अपन देखते हैं परिभाषा पारिस्थितिकीय निकेत की। तो पारिस्थितिकीय निकेत की, जब से ही शब्द का उपयोग हुआ, तब से लेकर के अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जो सबसे पहले ग्रीनेल ने दी थी, और उसके बाद ये जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है पारिस्थितिकीय निकेत का, वो सब ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है सभी इकोलॉजिस्ट ने। कुछ साइंटिस्ट की परिभाषाएं अपन यहाँ देखते हैं, जो सबसे पहले ग्रीनेल की देखते हैं कि ग्रीनेल ने क्या बताया था। तो ग्रीनेल महोदय ने बताया था कि ये जो पारिस्थितिकीय निकेत होता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होता है, जहाँ पे वो निवास करता है, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, और अपने बिहेवियर अडेप्टेशंस वहाँ पे डेवलप करता है। दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में अगर अपन कहें, तो पारिस्थितिकीय निकेत जो हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं, उन सब का सम है, जो कि उस स्पीसीज को बने रहने में और अपनी नई स्पीसीज को प्रोड्यूस करने में की अनुमति देते हैं, वो स्थान निकेत कहलाता है, या पारिस्थितिकीय निकेत कहलाता है। इसके बाद जो परिभाषा थी, वो एल्टन ने दी। एल्टन ने 1927 में परिभाषा दी, और एल्टन ने बताया, एल्टन ने निकेत शब्द की परिभाषा करते हुए इसे भोजन और शत्रुओं के संदर्भ में किसी प्राणी विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान इस तरह बताया है। उसके बाद ओडम, यूजीन पी ओडम ने नीचे को एक माइक्रो हैबिटेट बताया है, सूक्ष्म निवास या माइक्रो हैबिटेट बताया है। और इन्होंने इस तरह से परिभाषित किया है कि पारिस्थितिकीय निकेत एक ऑर्गेनिज्म की इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो रहता कहाँ है, वो उसका नीचे नहीं होता है, जबकि पारिस्थितिकीय निकेत वो स्थान होता है जहाँ पे वो अपने कार्य करता है। इसका मतलब अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हैबिटेट तो उसका निवास स्थान होता है, जो ये बताता है कि वो एनिमल रहता कहाँ है, जो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, और वो करता क्या है, उसका जो प्रोफेशन है, वो उसका पारिस्थितिकीय निकेत कहलाता है। हचिंसन नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पारिस्थितिकीय निकेत पे
बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं और इसमें सबसे पहले इन्होंने इसको परिभाषित किया है और इसको परिभाषित विभिन्न आयामों के आधार पर किया है। इन्होंने इसको पारिस्थितिकीय निकेत को अपने शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया है कि अनेकों आयाम वाले उस स्थान को या क्षेत्र को जिसमें वातावरण कार्य किसी जंतु को अनिश्चित काल तक जीवित रहने या गतिशील जीवन यापन की अनुमति या सुविधाएं प्रदान करते हैं को निकेत कहते हैं। अब अगर अपन इन सब की परिभाषाएं देखने के बाद ये खुद कंक्लूड करें कि निकेत आखिर में है क्या, तो अपन को ये समझ में आता है कि प्राकृतिक निवास के उस सुरक्षित क्षेत्र को जिसकी पारिस्थितिकी या वातावरण कारक किसी जंतु विशेष को गतिशील जीवन यापन के लिए उपयुक्त हों को उसका निकेत कहते हैं, वो जंतु विशेष का या उसकी जाति विशेष का निकेत कहलाता है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल नेचर, पारिस्थितिकीय निकेत के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है स्पाशियल और हैबिटेट नीचे स्थानीय या निवास निकेत। स्थानीय प्रत्येक जाति मुख्य निवास के एक इकाई क्षेत्र को अपना सुरक्षित क्षेत्र या निकेत निर्धारित करके उसमें जीवन पर्यंत रहती है। प्राकृतिक निवास के इसी इकाई क्षेत्र को जाति विशेष का वितरण क्षेत्र या सूक्ष्म निवास अथवा निवास निकेत कहते हैं। इसके बाद है ट्रॉफिक निकेत या फिर उसको अपन कहते हैं पोषक निकेत। पोषक निकेत कभी कभी दो या अधिक जातियाँ एक समान स्थान पर निवास करती हैं, परंतु पोषण की भिन्नता के कारण इनके निकेत अलग अलग होते हैं। पोषण के आधार पर एनर्जी प्राप्त करने के लिए, फूड प्राप्त करने के लिए जितने मिनिमम स्पेस की किसी एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है वो उसका ट्रॉफिक निकेत या फिर पारिस्थितिकीय निकेत कहलाता है। इसके बाद है हचिनसन के द्वारा दिया गया मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीचे, जिसे बहुआयामी अथवा उच्च आयतन निकेत भी कहते हैं। बहुआयाम निकेत का विचार हचिनसन ने दिया। वास्तव में सभी प्राकृतिक निवासों में अनेकों जातियां निवास करती हैं। अलग अलग निकेत वितरण के उपरांत भी विभिन्न जातियों में भोजन, खनिज पदार्थों, धूप हवा आदि अनेकों प्राकृतिक कारकों के लिए कड़ा संघर्ष बना रहता है। कभी कभी इन्हीं आवश्यक सुविधाओं के लिए दो जातियां एक दूसरे के निकेत में घुसपैठ भी करती हैं, ओवरलैप भी करती हैं। हचिनसन ने इन साधनों की उपलब्धि या स्पर्धा की सीमाओं का मापन करके निकेत को दो उपसमूहों में भी विभाजित किया, पहला फंडामेंटल नीचे और दूसरा रियलाइज्ड मूलभूत निकेत और वास्तविक निकेत। अब मूलभूत निकेत क्या होता है? ये वह निकेत है जिसमें रहने वाली जाति को उपरोक्त प्राकृतिक कारकों या सुविधाओं के लिए अन्य जातियों से स्पर्धा नहीं करनी पड़ती, अर्थात ऐसे निकेत जाति विशेष के लिए पूर्ण सुरक्षित होते हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि दो स्पीसीज हैं तो अगर उनका निकेत अलग अलग है जिसमें सिर्फ अपने निकेत में एक स्पीसीज रहती है और दूसरी स्पीसीज अपने निकेत में रहती है, उनमें आपस में ओवरलैपिंग नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो ये फंडामेंटल निकेत होता है। और दूसरा रियलाइज्ड निकेत, जो कि जिसे वास्तविक निकेत कहती हैं, वह निकेत है जिसमें रहने वाली जाति को उपरोक्त प्राकृतिक कारक या सुविधाओं के लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप निकेत में वास्तविक सुविधाओं का परिमाण मूलभूत निकेत की तुलना में कम हो जाता है। और वो कैसे होगी, जैसे ये ए स्पीसीज का निकेत है और ये बी का है, तो इसका कुछ स्पेस ऐसा है जहाँ पे ये दोनों जातियों का निकेत आपस में ओवरलैप कर रहा है और इस ओवरलैप वाली स्पेस में यहाँ पर इन्हें अपनी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव कर रहे होंगे, रह रहे होंगे, उनमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, कॉम्पिटिशन होगा। इसके बाद अपन देखते हैं स्पेसिफिक करैक्टर्स पारिस्थितिकीय निकेत के, जिसमें सबसे पहला कि जो पारिस्थितिकीय निकेत होती हैं उनकी खुद की कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिन्हें अपन को पारिस्थितिकीय निकेत को जानने के लिए जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला होता है
नीचे ओवरलैपिंग, जिसे निकेत अतिक्रमण भी कहते हैं यानी ऑर्गेनिज्म की घुसपैठ भी कहते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नीचे, जिसमें निकेत जटिलता। तीसरा इकोलॉजिकल इक्विलेंट्स, पारिस्थितिकीय तुल्य। और लास्ट है करैक्टर डिस्प्लेसमेंट, लक्षण विस्थापन। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं निकेत ओवरलैपिंग, निकेत अतिक्रमण। अगर अपन रियलाइज्ड निकेत को देखें तो कोई भी दो स्पीसीज, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग निकेत में, एकदम से अलग अलग निकेत में, जिनकी सीमाएं एकदम अलग अलग हों, ऐसे नहीं रहते हैं। इनकी बाउंड्री अलग अलग हुई हुई नहीं रहती है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म या दो स्पीसीज, ये एक दूसरे के स्थान में, यदि समान इनकी आवश्यकताएं हैं, तो ये एक दूसरे के साथ निकेत को शेयर करते हैं, और ये निकेत शेयरिंग ही निकेत ओवरलैपिंग कहलाता है। और निकेत ओवरलैपिंग में, इसको अगर अपन इस ग्राफ का माध्यम से देखें, तो जैसे ये स्पीसीज ए है और ये बी है, ये दोनों किसी एक अलग अलग अपने अपने निकेत में रहती हैं, लेकिन इनके दोनों के निकेत आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ में ये बताया गया है, इसमें एक स्पीसीज ऐसी होगी, निकेत ओवरलैपिंग का मतलब उनमें आपस में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होने के कारण ये होता है, कंपटीशन जब होता है अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए, तो दो स्पीसीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको इंटर रिलेशनशिप कहते हैं। और ये इंटर रिलेशनशिप खुद दो तरह की, तीन तरह की होती है, जिसमें एक रिलेशनशिप होती है उसमें, जिसको अपन पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं, उसमें दो स्पीसीज का जो प्रोग्रेस है, जो उसकी वृद्धि है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है एक दूसरे से। इनके बीच में कंपटीशन जो होता है वो जीरो होता है, कंपटीशन उनमें नहीं होता है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और अगर एक स्पीसीज की ग्रोथ कम हो रही है तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, और अगर दोनों पे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको न्यूट्रल रिलेशनशिप कहते हैं। और इस निकी ओवरलैपिंग को समझने के लिए कंपटीशन को समझना ज़रूरी है, जिसमें गॉस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, गॉस का स्पर्धात्मक वर्जन सिद्धांत का अध्ययन करना ज़रूरी है। इन्होंने ये बताया था कि एक निकेत में दो जातियाँ घुसपैठ तो कर सकती हैं, परंतु स्थायी रूप में एक निकेत में एक ही जाति रह सकती है। और इसको इन्होंने कुछ उदाहरणों के द्वारा बताया था, जिसमें पहला जो एग्जांपल है, इनका बहुत फेमस एग्जांपल है, वो है पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कोडेटम का। इन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और ये बताया था कि जो पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कोडेटम को अपन कल्चर करते हैं, और अलग अलग कल्चर मीडियम में कल्चर करते हैं, तो दोनों की अच्छी ग्रोथ होती है, दोनों की ग्रोथ होती है। और अगर इन दोनों को कॉमन कल्चर किया जाता है, एक ही मीडियम में कल्चर किया जाता है, तो ये होता है कि कुछ टाइम बाद, स्टार्टिंग में जैसे ही कल्चर शुरू होता है, दोनों के दोनों पैरामीशियम ओरेलिया और कोडेटम दोनों की ग्रोथ होना शुरू होती है, डेंसिटी बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही वो जो पैरामीशियम कोडेटम है वो ख़त्म हो जाता है, और पैरामीशियम ओरेलिया उस निकेत पर पूर्ण अधिकार कर लेता है। और इन्होंने ये बताया कि पैरामीशियम ओरेलिया ने पैरामीशियम कोडेटम को सातवें दिन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसी तरह से इनके और भी कई एग्जांपल हैं, ट्राइबोलियम कैस्ट्रेनियम और ट्राइबोलियम कन्फ्यूसम, जिनका कि सेम निकेत होता है, इनका भी एग्जांपल लेके इन्होंने बताया, जिसमें ट्राइबोलियम कन्फ्यूसम ने ट्राइबोलियम कैस्ट्रेनियम को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा एक स्प्रूस ट्री, सनोबर के एक वृक्ष में, उत्तरी अमेरिका में जो पाया जाता है, वहाँ वार्बलर पक्षियों की स्पीसीज में भी कंपटीशन को इन्होंने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को एक्सप्लेन किया। और इसके अलावा इन्होंने
एक एग्जांपल हंसावर पक्षियों का, फ्लेमिंगोज का भी इन्होंने दिया, जिसमें एक ही वाटर बॉडी में रहने वाले फ्लेमिंगो में से एक, तो दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के दोनों में कोई कंपटीशन नहीं होने की वजह से दोनों ही स्पीसीज सर्वाइव करते हैं। इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नीचे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नीचे का मतलब ये है कि जहाँ जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निकेत होता है, जिसमें कि प्रतिस्पर्धा जहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा नंबर जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, बायोटिक एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, जो जिनमें जितना ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, जितना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, वो उतना ही इस्टेब्लिश निकेत होता है। जैसे कि अपन बात करें इसको, यदि एक एग्जांपल से देखें कि जैसे जो समुद्र की गहराई होती है, जहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, लगभग स्थिर रहते हैं, वहाँ पे एनिमल्स जो हैं, वहाँ पे सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी बहुत कम स्पीसीज वहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, सेम एनवायरमेंट होता है। और जैसे अपन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले, जैसे मच्छर को अगर अपन देखें, मच्छर की लाइफ को अगर अपन देखते हैं, तो मच्छर की खुद की लाइफ में ही, उसकी लाइफ साइकिल में उसकी कई सारी स्टेजेस पाई जाती हैं, जिसमें उसका लार्वा और उसका एडल्ट, इन सब की जो बिहेवियर है, फीडिंग बिहेवियर है, वो भी एकदम अलग अलग होता है। लार्वा होता है जो सर्वाइव करता है, पानी में रहता है, और वो उसका जो फूड होता है पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो एडल्ट होता है वो पौधों का रस या फिर ह्यूमन ब्लड को इंगल्फ करता है, उसका उपयोग करता है अपने फूड के रूप में। उसके बाद अपन देखते हैं इकोलॉजिकल इक्विलेंट्स। अब पारिस्थितिकीय तुल्य ये होते क्या हैं? पारिस्थितिकीय तुल्य भौगोलिक रूप से दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले वे प्राणी जिनकी निकेत संरचना समान होती है, वो पारिस्थितिकीय तुल्य कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू और उत्तरी अमेरिका के बाइसन। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बाइसन और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, ये दोनों, जबकि इनमें बहुत ज़्यादा दूरी है, दो अलग अलग कंटिनेंट्स में रहते हैं, लेकिन इन दोनों की जो पारिस्थितिकीय निकेत है वो एकदम सेम है। अब है करैक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो करैक्टर डिस्प्लेसमेंट या लक्षण विस्थापन, ये किसी पारिस्थितिकीय निकेत में कैसे डेवलप होता है, ये है, इसको समझाने के लिए अपन देखते हैं कि एक ही स्थान पर रहने वाली दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म या एक ही स्पीसीज जो कि जिसका इकोलॉजिकल निकेत सेम है, इकोलॉजिकल निकेत सेम है, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी, जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स की, इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, वो तो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर रहे होते हैं उस निकेत में, लेकिन जिनकी नीड कंप्लीट नहीं होती, रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है, और वो उसी निकेत में रह रहे हैं, या तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, या मूव नहीं करते हैं, तो उनमें डाइवर्जेंस की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण लक्षण विस्थापन या करैक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सिम्पेट्रिक एक देशीय स्पीसीज होती हैं, एक स्थान पर रहने वाली, उनमें कुछ करैक्टर्स, जैसे वो अपनी फीडिंग हैबिट बदल लेते हैं, वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी नीड कंप्लीट नहीं हो रही है, वो अपनी फीडिंग हैबिट बदल लेते हैं, और फीडिंग हैबिट बदलने से धीरे धीरे क्या होगा, उसमें लक्षण अलग होते हैं, पहले उसका फीडिंग बिहेवियर कुछ और था, ये करैक्टर डिस्प्लेस हो गया, चेंज हो गया। चेंज होने को अपन डाइवर्जेंस, ये जो प्रक्रिया काम आएगी इसको डाइवर्जेंस कहेंगे, और ये डाइवर्जेंस के कारण नई स्पीसीज का निर्माण हो जाता है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया संपन्न होती है।
इसके बाद अपन लास्ट में देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल निकेत, पारिस्थितिकीय निकेत की महत्ता। ये जो पारिस्थितिकीय निकेत है, इसको पढ़ने का, इसको जानने का, समझने का और इस कंसेप्ट का जो महत्व है वो इससे है कि इकोलॉजिस्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल नेचर टू हेल्प अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिटीज रिलेट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिटनेस, ट्रेड इवोल्यूशन और प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शंस इन कम्युनिटी। किसी भी समुदाय में प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन के बारे में पता चलता है जब अपन इकोलॉजिकल नेचर की स्टडी करते हैं। अपन को उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेट होता है, कैसे क्या रिलेशनशिप होती है, वो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करता है और ट्रेट इवोल्यूशन लक्षणों में उद्विकास हो रहा है इसका पता चलता है। और इकोलॉजिकल नीचे अलाउ स्पीसीज टू एग्जिस्ट इन देयर एनवायरमेंट, उसमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इकोलॉजिकल नीचे जो है वो पर्यावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्पीसीज को अलाउ करती है, अनुमति प्रदान करती है और राइट कंडीशंस में स्पीसीज विल थ्राइव एंड प्ले यूनिक रोल, और स्पीसीज अपना एक यूनिक रोल प्ले करती है। विदाउट द इकोलॉजिकल नीचे देयर वुड बी लेस बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल नीचे की सबसे महत्वपूर्ण जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना से स्वयं बचें और अपने घर वालों को, समाज को बचाएं। थैंक यू।